बहुत कम लोग जानते हैं कि मारूफ अदाकार और तमसील थिएटर के मालिक अफजाल अहमद उर्फ अफजाल चिट्टा दिसंबर 2022 में इंतकाल से पहले मफलूज होने के बाइस 20 बरस से व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजार रहे थे और इनकी बीवी बच्चे इनकी माजूरी के बाइस एक अरसे पहले इन्हें छोड़कर जा चुके थे। फालिज के बाद अपनों की बेवफाई से रंजीदा अफजाल अहमद आखिरी दिनों में मिलने वालों को गले लगाकर कभी रोते और कभी ऊंची आवाज में हंसने लग जाते थे। कभी वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपने दोनों बाजू उठाकर ऊपर वाले धड़ को घुमाकर नाचने की कोशिश करते। किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि अपने जमाने का वर स्टाइल अदाकार जो अपनी रोबदार आवाज की वजह से जाना जाता था जिंदगी के आखिरी 20 साल में बोल भी नहीं सकता था। व्हील चेयर पर बैठे अफजाल अहमद सिर्फ इशारों में बात करते और इशारों की बात ही समझते थे। बीमारी की वजह से इनकी बीवी और बेटियां इन्हें छोड़कर जा चुकी थीं। इन्हें मुर्शिद मुर्शिद कहने वालों ने भी कभी पलटकर इनकी खबर नहीं ली थी। इन्हें हर वक्त शाजी शाजी कहने वाले भी इन्हें भूल चुके थे। सैयद अफजाल अहमद अलमारूफ अफजाल चिट्टा जंग में पैदा हुए थे। सैयद घराना एचिसन की तालीम पुरकशिश शख्सियत शोबिस का शौक क्योंकि घराना मजहबी था इसलिए खानदान की मुखालफत के बाइस अफजाल घर बार छोड़कर शोबिस की दुनिया में आ गए। अशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे वुज लाहौर दे में 18 साल अफजाल अहमद ने 50 साल बूढ़े का किरदार निभाया। फिर मुन्नू भाई के ड्रामे जजीरा में कमाल अदाकारी की। इसके बाद इन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हो गयी। अपने 35 साल फिल्मी करियर में उर्दू पंजाबी और पश्तो जबान में 250 फिल्में की। बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, सीधा रास्ता, नौकर वोटीदा, शरीफ बदमाश, वैशी जट, चंदवरियाम मिलेगा, जुर्म दा बदला जैसी लातादा सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दी। 90 की दिहाई अफजाल अहमद के उरूज का जमाना था। इसके बाद इन्हें मजहब और सूफी इज्म से लगाव हो गया। उन्होंने दर्जनों हज और उम्रे किए। फिर एक रोज अचानक फालिज का शदीद अटैक हुआ। इनकी जान तो बच गई मगर बोलना बंद हो गया। वो माजूर हो गए और व्हीलचेयर पर आ गए। वो वफात तक व्हीलचेयर पर रहे। वो अदाकार हिदायतकार फिल्मसाज जो अफजाल अहमद के घर से उठते नहीं थे इनके घर का रास्ता भूल गए। कहते हैं कि अदाकार मोहम्मद अली जब तक जिंदा रहे हफ्ते में एक खाना अफजाल अहमद के साथ खाया करते थे। अदाकार नदीम लाहौर आते तो अफजाल को देखने जरूर आते। उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल अपने मुलाजमों के हाथों में गुजारे और इन्हीं के हाथों में लाहौर के जनरल अस्पताल में जान दे दी। अफजाल अहमद इस हाल तक पहुंचे कैसे ये लंबी कहानी है। खुलासा यह है कि इनकी अज़्वाजी जिंदगी इतनी खुशहाल ना थी। रिश्तेदार लालची थे। अफजाल ने अपनी कुल जमा पूंजी तमसील थिएटर की तामीर पर लगा दी थी लेकिन ये मंसूबा जैसा सोचा था वैसे कामयाब ना हो सका। अफजाल जो मिजाजन हसास और हमेशा बांटने वालों में से थे मकरूज हो गए। लोगों से उधार मांगना पड़ा। यूं अपनों ने आंखें फेर ली। वो ये बात दिलो दिमाग पर ले गए। ब्रेन हेमरेज प्लस फालिज का मिला हुआ। इनका चलना फिरना खत्म हो गया और वो व्हीलचेयर पर आ गए। अब हुकूमत बजाय इसके अफजाल अहमद का ख्याल करती और इनका साथ देती इनके तमासील हाल को बंद करने निकल पड़ी। आज भी एलडीए अफजाल अहमद के फार्म हाउस की आधी जमीन दबाकर बैठा हुआ है। अफजाल की तरह अदाकार अली एजाज मरहूम भी फूट फूट कर रोया करते थे कि मेरे घर पर कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है और हुकूमती इदारे कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह अदाकारा हिदायतकारा शमीमारा भी सबको याद है जिन्होंने भीगी आंखों के साथ एक जमाने की बेवफाई के दर्जनों किस्से सुनाए। अदाकारा रूही बानो भी जमा बेटे की मौत और हुकूमती बेहिसी के बाइस गली गली भटकी और एक दिन तुर्की से इनके इंतकाल की खबर आई। खालिदा रियासत को भी अपनों की बेवफाई ने कैंसर बनकर मार डाला था। अफजाल अहमद का भी क्या उरूज था और क्या शानदार अदाकारी थी। आवाज, डायलॉग, डिलीवरी, चेहरे के तासुरात बेरंग सीन में भी रंग भर दिया करते थे। क्या गरजदार बल्कि पाटदार आवाज और बोलती आंखें पाई। ये तब की बात जब इनके स्टेज ड्रामे जन्म जन्म की मैली चादर की धूम मची हुई थी। इन्हें तलफ्फुज मकालमे का बादशाह कहा जाता था। अदाकारी करते लगता ही नहीं था कि अदाकारी हो रही है। वो ऐसे अंदाज में मकालमा बोलते के मुखालिफ अदाकार तक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते लेकिन डायलॉग डिलीवरी का बेताज बादशाह अफजाल अहमद अपनों और जमाने की बेअतनाई पर आंसू बहाता बेबसी के आलम में दुनिया से रुखसत हुआ। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।